हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट पेस्ट्री। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में ये, और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है ये। तो इसको आज हम बनाते हैं। वैसे मैंने पहले आपको इसका केक बनाना बताया हुआ रेड वेलवेट, वो मैंने कुकर में बनाया था। आज हम ये पेस्ट्री बनाएंगे माइक्रोवेव में। दोनों बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है मैदा, पाउडर शुगर, ऑयल, दूध ले लिया है, कलर ले लिया है, वनीला एक्सट्रैक्ट और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ऑयल और पाउडर शुगर लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से फेंटना होता है ताकि थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। अब इसमें डालेंगे इसमें थोड़ी सी मैदा और थोड़ा सा दूध। हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और अच्छे से फिट भी जाइए। बिल्कुल कोई भी इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। देखिए अच्छे से हमारा ये मिक्स हो जाता है जब तक हमें अच्छे से इसको फेंटना है। देखिए मेरा ये अच्छे से अभी फिट गया है। कितना अच्छा मेरा बैटर तैयार हुआ है। इसमें डालेंगे कलर। मैंने रेड फूड कलर लिक्विड वाला लिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा ही। और इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देते हैं। बस इट्स डन, ये तो हमारा तैयार हो गया है बैटर। अब इसको डाल देते हैं माइक्रोवेव सेफ बाउल में और इसको मैं 6 मिनट के लिए सिंपल ऐसी माइक्रोवेव में बनने के लिए रख दूंगी। देखिए मेरा 6 मिनट में कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसको निकाल के दिखा देते हैं। पेपर इसका हटा देते हैं, मैंने पेपर लगाया था जो नीचे। देखिए कितना अच्छा एकदम फ्लफ़ी बना है। अगर आपका 6 मिनट में तैयार ना हो तो कुकर वो उस पर माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है, आप 1 आध मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। इसको मैंने बीच में से पार्ट्स में से कट कर लिया है इस तरीके से, आधा उधर रख लिया आधा इधर। और इसमें लगाएंगे अपना शुगर सिरप। मैंने शुगर सिरप में भी थोड़ा सा कलर डाल लिया है। शुगर सिरप तो सिंपल वही होता है, चीनी पानी का घोल। उसमें मैंने कलर डाल लिया, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो डालिए वरना मत डालिए। शुगर सिरप के बाद में हम इसमें लगाते हैं व्हिप्ड क्रीम। इसको अच्छे से फैला लेंगे, देखिए। और इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर भी लगा देते हैं व्हिप्ड क्रीम। हम इसमें जो है ऊपर की जो लेयर होती है उसमें हम डबल लेयर लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है। पेस्ट्री बना रहे हैं, केक में तो हम पूरा कवर करते हैं, हम इसमें चारों तरफ से कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही डबल कोटिंग करेंगे। देखिए डबल कोटिंग कर रही हूँ मैं ये। और इसको अच्छे से बिल्कुल प्लेन कर देंगे। देखिए बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे पहले साइडों से इकसार करने के लिए। चारों तरफ से मैं किनारियों से पार्ट्स इसके कट कर लूँगी जिससे फिनिशिंग अच्छी दिखाई देती है। और ये जो पार्ट्स कटिंग कर रही हूँ ये भी मेरे वेस्ट नहीं जाएंगे, मैं इससे जो है क्रम्स तैयार कर लूँगी जो इसी में डेकोरेशन में काम आएंगे। इसको मैंने निकाल लिया चारों तरफ से। अब इसको बीच में से कट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से 2 पार्ट्स में कट करूँगी। पेस्ट्री के जैसे साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक बीच में से कट कर लेते हैं। देखिए अब इसकी हम गार्निशिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी से कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सिंपल मैंने वही व्हिप्ड क्रीम ले रखी है अपनी, उससे सिंपल एक फूल बना के छोटे छोटे से साइडों में फूल बना रही हूँ बस। वैसे इसकी डिज़ाइनिंग तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे कितना भी खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको डेकोरेश कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ सिंपल से ऐसे ही बस फ्लावर्स बना के ख़त्म कर दिया है इसको। आप अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत से खूबसूरत भी बना सकते हैं पेस्ट्री, जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं, ये वही हैं जो कि मैंने साइड से जो उतारे थे उसको मैंने बारीक बारीक कर लिया था। बिल्कुल वही केक के पार्ट्स हैं ये साइड वाले, और उसको मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं, और हमारे पूरा के पूरा जो है ये केक यूज़ भी हो गया। तो देखिए हमारी तो पेस्ट्री देखिए कितनी खूबसूरत लगती जा रही है, इस तरीके से डाल के तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको इनको जो है निकाल कर भी दिखा देती हूँ। अब हम अपना एक एक पेस्ट्री आराम से उठाएंगे, मैं एक नाइफ़ की सहायता से उठाऊंगी। बहुत ध्यान से उठाइएगा इस तरीके से, और अपना सर्व कर सकते हैं आप जिस प्लेट में चाहें उसमें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी तो रेड वेलवेट पेस्ट्री बिल्कुल तैयार हो गई खाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरीके से रेड वेलवेट पेस्ट्री अपने घर में बहुत आसानी से बनाएं, खाएं, और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।